रिया तो खाना नहीं खाया? नहीं मुझे भूख नहीं। देखो ना। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दो। रिया कल की शूटिंग की तैयारी हो गई? हाँ। कपड़े देख लिए? फिटिंग विटिंग ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। ओके देखो सब लोग ठीक से खाना खा रहे हैं। अमन तो आप रिया के कपड़े सिलती हैं? डिजाइन करती हूं। अच्छा सुनो भाई फॉर्मेलिटी मत करना, खाना ठीक से खाना। ओके एब्सोल्युटली। आप नहीं खा रहे? मुझे मैं खा लूंगा, पहले मेहमान खड़े, मैं तो घर का आदमी हूं, खाता रहूंगा आराम से। वेरी इंटरेस्टिंग मैन। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। देवा कल तुम रिया के शूट पे जरूर आना। हां जरूर, इट विल बी अ गुड मोरल बूस्टर फॉर हर। ऑफ कोर्स। अरे प्रोडक्ट क्या है? शैम्पू शैम्पू, सो सॉरी, भूल जाती हूं। यू आर वेरी बिजी दैट्स व्हाई। वेरी टेंस। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। मंजू कल तुम क्यों नहीं आती हो प्रिया के शूट पर? अपनी भांजी को देख लो शूटिंग करते हुए, अच्छा होगा। मैंने देखी है उस दिन, इट्स ओके। ओह हाँ, वैसे एक बात बताओ, उस एड में ना एक माँ का रोल भी है और तुम्हारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं, इट वुड बी फैंटास्टिक इफ यू कुड डू इट, परफेक्ट कास्टिंग होता। नहीं कल तो मैं बहुत बिजी हूँ, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। कोई बात नहीं, अगली बार सही समझ द टाइम। एक और बात है, जब तुम रमाकांत और शालू को खाने पे बुलाओगी ना, तब मुझे भी बुलाना। मैंने तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ सुनी है। Yeah, she's a great cook. ऐसी जल्दी क्या है? वैसे रमाकांत तो यही बॉम्बे में है, कौन सा भागा जा रहा है? जिस दिन सबकी डेट्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगी उस दिन तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। वसुंधरा चलते हैं, we're getting late. Thank you for coming. मीठा बीटा खाया कि नहीं? Yeah, it's great. Thank you. Manu? Yeah. Thank you so much. Yeah. Bye. विद्या जी। अरे भाई साहब खाना खा लीजिए। नहीं भाई साहब बिल्कुल भूख नहीं है। देखिए प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अरे हाँ ये खाना मैंने खुद बनाया। आपने बनाया? आप खाना बनाते हैं क्या? शौक है? नहीं मेरी मजबूरी है। 10 साल पहले मेरी बीवी मुझे छोड़ गई थी ना, बस इन 10 सालों में मैंने अच्छा खाना बनाना ही सीख लिया। अरे हाँ आपके शौहर को भी खाना बनाने का शौक है क्या? वो दिखाई नहीं दिए, कहीं बाहर गए? भाई साहब जिस रात ही एक्सीडेंट हुआ उस दिन सिर्फ मेरी बेटी का ये हाल नहीं हुआ, मेरी जिंदगी भी बिखर गई। जिस रात आरती का एक्सीडेंट हुआ वो कहीं और थे। मैं कुछ समझा नहीं। किसी और के साथ थे। मुझे तो उस रात 2 चोटें लगी। आरती बिटिया कैसी है? उसके हालत में कुछ इंप्रूवमेंट हुई? नहीं आरती की हालत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। भाई साहब मैंने सुना है कि अगर कोमा के पेशेंट के साथ बात की जाए तो उसको एनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, उसकी साइकी पे असर होता है कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। क्या ये सच है? पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था क्या भूषण को उसका ऐसा देकर हमने ठीक किया? वो तो चला गया अपना हिस्सा लेकर, अपनी बीवी लेकर, अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर, और हम हमें क्या मिला बेटा? दुख, तकलीफ,
परेशानियां? पापा शायद हमारे हिस्से में यही लिखा था, और कोई चारा भी तो नहीं था। तुम्हें कुछ अंदाजा है सुधीर के इतनी बड़ी रकम देकर हमारी बिजनेस पर कितनी बड़ी चोट लगी है? बेटा रात रात पर नींद नहीं आती मुझे ये सोच करके, ये कर्ज अगर ना चुका पाए तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या देख रही हो? लोगों को देख रही हूँ। अच्छी तरीके से देख लो, इनमें से किसी एक को अपने लिए पसंद कर लो। हाय प्रतीक, कम ऑन, मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ, चलो। डोंट फील शाय, ओके? हाय प्रतीक। हाय। व्हाई आर फीलिंग सो लेफ्ट आउट? आई एम जस्ट टेकिंग अ लुक अराउंड। नाइस पार्टी बट। या। ये मेरी फ्रेंड तानिया। हेलो। हेलो। और ये है प्रतीक, अभी कुछ ही दिन पहले यूएसए आया है, मेरे साथ मास कॉम का कोर्स कर रहा था, बीच में यूएस में एडमिशन मिलते ही भाग गया। हेलो, मैं भाग नहीं गया, अपनी मर्जी से ड्रॉप आउट किया था मैंने फॉर अ बेटर कोर्स। रियली? या रियली। लेकिन अब वो वापस आ गया है। बाय द वे, तानिया फेमस सोशल एक्टिविस्ट नीलू की बहन है। नीलू? हाँ नीलू, क्यों? ओह माय गॉड, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। आपको पता है आपकी बहन और मेरी भाभी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा, भाभी का क्या नाम है? टीना। ओह, दुनिया वाकई में काफी छोटी है। सो तो है। सो तानिया, व्हाट डू यू डू? एक्सक्यूज मी, यू गाइस कैरी ऑन। ओके। मैं एमबीए कर रही हूँ। और आप? वेल, अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, सोच रहा हूँ इंडिया में रहूँ या वापस यूएस। फिलहाल तो अपने फैमिली बिजनेस में हेल्प कर रहा हूँ। सो तानिया, पार्टी अ लॉट? नॉट रियली। डोंट यू वांट टू डांस? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके। यू नो व्हाट, You're looking gorgeous. Thank you. Actually, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी इंटरेस्टिंग लड़की से मिलूंगा यहाँ। क्यों? इंटरेस्टिंग लड़कियाँ सिर्फ यूएस में होती है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। In fact, I like Indian girls. और मैंने तो तय कर लिया है, शादी करूंगा तो सिर्फ इंडियन लड़की से। हाँ, लेकिन रहना चाहते हो यूएस में? Well, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ, यूएस का वर्क एटमॉस्फेयर यहाँ से डेफिनेटली ज्यादा अच्छा है। और लड़कियाँ यहाँ की? Well, सब लड़कियाँ प्रतीक, या कोई स्पेशल लड़की? ये लो, आ गई हमारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। क्या करूँ प्रतीक, आदत से मजबूर हूँ, जहाँ कोई मसाला या खबर देखी बस खींची चली जाती हूँ। लगता है यहाँ पे कोई खिचड़ी पक रही है। स्टॉप इट करीना। देख रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। भाई अब इसे अखबार में छाप मत देना। ओके, आई प्रॉमिस। सुधीर, मेरे पास एक सुझाव है अपने प्रॉब्लम्स के लिए। कैसा सुझाव? सुधीर, हम ये घर बेच देंगे। क्या? इसके अच्छे पैसे मिलेंगे सुधीर। क्या कह रही हो टीना, घर बेच दे और फिर रहेंगे कहाँ? छोटे से घर में। टीना होश में हो? अरे इतने सारे लोग कैसे रहेंगे छोटे से फ्लैट में? मैनेज कर लेंगे सुधीर। नहीं टीना, ये घर कितने जतन कितनी मेहनत से बनाया पापा और मामा ने, इस घर में कितना प्यार कितना पैसा डाला है, वो सबको बेच दे? नहीं टीना, हम ये घर नहीं बेचेंगे। सुधीर, ये घर बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे अपना कर्जा तो उतर सकता है, तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि ये घर ऑलरेडी गिरवी है टीना। Thank you.
इसे बेचा नहीं जा सकता। क्या तुमने बात मुझसे क्यों छुपाई सुधीर? मतलब अगर ये घर गिरवी है तो हमें अपना एक फ्लैट बुक कर लेना चाहिए। हाँ सुधीर, छोटा ही सही, लेकिन अगर कल को ये घर नीलाम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें एक फ्लैट बुक कर लेना ही चाहिए अपने लिए। सुधीर, मैं कब से तुम्हें ये कह रही थी। टीना, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। मिल जाएंगे सुधीर, मैं अपने माँ बाप से बात करती हूँ, मैं उनसे पैसे मांग लूंगी। देखो सुधीर, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, हमें अपना फ्लैट जल्द से जल्द। अपना मेरा, सिर्फ अपना सोच रही हो तुम। और माँ और पिताजी का क्या, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कभी सोचा है? हाँ सोचा है, वो हमारे साथ रहेंगे। और प्रतीक, कल को उसकी शादी होगी, उसकी बीवी, उसका घर बार, सब कहाँ रहेंगे, उस छोटे से फ्लैट में? नहीं ना, इसका मतलब वो अलग रहेगा। टीना, एक भाई अलग हो गया अपनी इज्जत और बीवी की वजह से, और दूसरे को हम खुद अलग कर दें? नो, नेवर, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। हम ये घर कभी नहीं बेचेंगे, एंड दिस इज फाइनल। अजीत, अजीत प्लीज। आप कौन सी नई मुसीबत लेकर आई हो? वो जो एक्सीडेंट हुआ था विकी, जिसमें हाँ जिसमें तुम इन्वॉल्व थी, पर आई थॉट दैट इट्स ऑल ओवर। वो केस तो रफा दफा हो गया था ना? मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन एक कुलीग ने बताया कि जिस हॉस्पिटल में आरती और वो बच्चे एडमिटेड हैं, वहाँ उसने एक जर्नलिस्ट करीना को आते हुए देखा है। तो उसी कुलीग ने बताया कि वो जर्नलिस्ट कोई पिक्चर, आई मीन कोई फोटो लेकर आई थी हॉस्पिटल में। ओह गॉड अजीत, आई एम सो हैसल्ड, अब क्या होगा? कौन सी तस्वीर, किसकी तस्वीर? मेरी फोटो और किसकी, पार्टी में ड्रिंक करते हुए। अगर वो फोटोग्राफ प्रेस में रिलीज हो गई या पुलिस के पास चली गई तो? और उस रात तुम 5 पैक पी गई थी। यू आर अ लिमिट, लिमिट 5 पैक। अजीत, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, आई स्वेयर आई डोंट नो, बिलीव मी। और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? सलोनी, तुम कब सुधरोगी, कब? ये शराब, ये लत तुम्हारे लिए जहर है, और अब तुम्हारी ये लत मेरे करियर के लिए, मेरे लिए जहर बन रही है। क्या नाम बताया तुमने उस जर्नलिस्ट का? करीना। करीना, ओ, ओ। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? कब सुधरोगी तुम, कब समझोगी? कितना रुपया खर्च किया मैंने तुम्हारे इलाज पर कि तुम ठीक हो जाओ, एक नॉर्मल जिंदगी बिताओ, लेकिन नहीं, तुमने शराब पी, शराब पीने के बाद गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने के बाद एक्सीडेंट किया, एंड देन यू नियरली किल समबडी। जानती हो, अब अगर ये तस्वीर या खबर अखबार में छपेगी तो क्या होगा? पूरा का पूरा अपोजिशन मेरे खिलाफ असेंबली में वॉकआउट कर जाएगा, और जो सीएम के लिए मेरा नाम गया है वो कर जाएगा। तब पीना तुम जी भर के शराब, जी भर के शराब पीना, तब तुम्हें बहुत खुशी होगी। हा? मैं क्या करती है जीत, I got carried away, I'm sorry. Sorry से क्या होगा, क्या कहूंगा मैं अपने पार्टी लीडर से, अपने सीएम से, कि मेरी बीवी मेरी एब्सेंस में शराब पीकर बहक गई और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, ये कहूं उनसे? बोलो अजीत, मैंने कहा ना आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है ठीक है, ये बताओ कि पार्टी में कौन कौन था? काफी थे पर मुझे याद नहीं। प्रेस से कौन कौन था, याद करो। बॉम्बे सोशल टाइम से कोई था, इवनिंग हेरल्ड से भी कोई था, और वो बॉम्बे हाई सोसाइटी मैगजीन से था कोई शायद। और कोई नहीं, बस इतना ही याद है। ठीक है,
थैंक यू सो मच. आज आप लोगों की वजह से मेरा एक बहुत ही अच्छा चेंज हो गया. बहुत मजा आया. खाना भी बहुत बढ़िया था, है ना मंजू? हाँ, अच्छा था. इट वॉज अ रियली नाइस इवनिंग. एंड तुम तो बहुत खुश हो गई होंगी, तुम्हारे तो रिश्तेदार भी मिल गए वहां पर. हाँ. खास तौर से ऐसे रिश्तेदार जिनसे मुझे आज तक कभी मिल पाया ही नहीं गया था. या इवन आई फाउंड दैट वेरी स्ट्रेंज. मंजू, राज तो शालू के जीजा लगे ना, और तुमने एक बार भी नहीं मिलवाया. राज को छुपाना चाहती हो क्या? पता नहीं किस राज को. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा है मंजू, बिल्कुल ऐसा है. पिछले 20 सालों से हर महीने 50,000 रुपए अनजान रिश्तेदारों को दिए गए जिनके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था. मेरे लिए छोटी सी बात नहीं. 50,000 रुपए एवरी मंथ फॉर द पास्ट 20 इयर्स, दैट्स अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ मनी. क्या कहना है इस बारे में तुम्हें? मनु, हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर इन प्राइवेट. इन प्राइवेट? जब बात सबके सामने खुल चुकी है तो प्राइवेट होने की गुंजाइश नहीं है. और वैसे भी क्या कहोगे अकेले? कहना चाहते हुए भी तुमने मुझसे झूठ कहा. ये बात बताने के लिए तुम्हें वक्त ही नहीं मिला, या ये बात बताना भूल गए? नहीं मनु, ऐसा कुछ नहीं है. आई वॉज यू नो. या मंजू, नाउ व्हाट इज योर एक्सक्यूज दिस टाइम? कम ऑन, टेल मी. राज, आई थिंक आई शुड मेक अ मूव. आई डोंट केयर अ डैम एनीवे. मंजू, आई थिंक आई शुड लीव नाउ. राज बेचारा इस शाम को लेकर इतना परेशान हो गया है ना. आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर हिम. चलो कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी. नहीं नहीं, अभी कर लो. कुछ और मिर्च मसाला रह गया ना बाकी छिड़कने के लिए, तो वो भी छिड़क लो. आई डोंट नो व्हाई यू डोंट माइंड योर ओन बिजनेस. हर चीज में टांग अड़ाती हो तुम. अरे कमाल है, मैंने क्या कहा है? व्हाई यू ब्लेमिंग मी? सब समझती हूँ. अपनी मजबूरी का बहाना करके ना मनु पे डोरे डालने की कोशिश कर रही हो तुम. अपने आप को देखो, अपने बिजनेस को देखो, उसके बाद मुझ पर और मेरे पास पर उंगलियां उठाना तुम. मंजू, आई विल नॉट स्टैंड फॉर दिस. अरे खुद के मन में चोर है और मुझको ब्लेम कर रही हो. अगर राज को देने के लिए तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? ये तरीका है मेहमानों को ट्रीट करने का? मेहमान नवाजी का तो नाजायज फायदा तुम उठा रही हो. पूरा घुस आई हो मेरे घर में, मेरे पति को छीनने. वैसे क्यों नहीं करोगी? अकेली हो, वो शादीशुदा होने का बंधन भी नहीं रहा तुम पर. My God, मंजू, just shut up. Do you even know what you're saying? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ. वसुंधरा के घर में भी हर वक्त मनु पे नजर थी तुम्हारी, सब जानती हूँ मैं. Such a pity. कितने साल लग गए तुम्हें ये सब पता लगाने में. बेचारी हमारी मासूम नादान मंजू को ये सब अब पता चला है. अरे उस सिली वुमन, मैंने आज तक राज और अपना रिश्ता किसी से नहीं छुपाया है. ये तुम भी जानती हो और सब जानते हैं. छुपाने का शौक तो तुम्हें है. आज हम में से कईयों को ये पता चल चुका है कि तुम क्या क्या छुपा रही थी. बहन को छुपाया, बैंक अकाउंट छुपाए, न जाने और क्या क्या छुपा रखा है तुमने. यू शट अप, यू आर सच अ बिच. Call me a bitch? Damn you, Manju. अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर में वापस कभी कदम नहीं रखूंगी. That's okay with me. और अपने साथ अपनी चिंगारियां भी लेती जाओ. अपने घर और अपने पति को तो भूख चुकी हो, अब मेरा घर जलाना चाहती हो? Just go to hell.